अब मैथ के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th का कोई भी डाउट अब आपको नहीं करेगा परेशान। जो भी मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन का फोटो खींचे और डाउटनेट ऐप के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर उसे सेंड करें या डाउटनेट ऐप पर सबमिट करें। विद इन अ सेकेंड आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड, फाइनली इग्नू ने रिजल्ट की थर्ड अपडेट आज यानी 20 अगस्त को कर दी है। सेकंड अपडेट 16 अगस्त को आई थी और फर्स्ट अपडेट 14 अगस्त को आई थी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस अपडेट में क्या रिजल्ट और भी डिक्लेयर हुए हैं या सिर्फ उतने ही रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं जितना कि लास्ट अपडेट में थे। तो चलिए चलते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर। जैसे आप इस वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर आने के बाद आप नीचे यहाँ इग्नू डिक्लेयर टर्म एंड रिजल्ट एंड ग्रेड कार्ड फॉर जून 2019 पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं आपके सामने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन का एक लिंक आता है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे जून 2019 एग्जामिनेशन रिजल्ट पे क्लिक करा, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा था पहले 16 अगस्त का, उसको अब अपडेट करके 20 अगस्त कर दिया है। यानी आज दोबारा से ये थर्ड अपडेट इग्नू रिजल्ट की आई है, जिसमें और भी सब्जेक्ट के रिजल्ट ऐड किए गए हैं जिनके रिजल्ट सेकंड अपडेट तक नहीं आए थे। तो यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर अपना रिजल्ट सर्च करना है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। मैं जल्दी से यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल लेता हूँ और देखते हैं कि क्या रिजल्ट की अपडेट में सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। तो जैसे ही मैंने एनरोलमेंट नंबर डालकर यहाँ पर सबमिट करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स का रिजल्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पर मुझे तीन सब्जेक्ट के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं जो अपडेट किए गए हैं। हालांकि यहाँ पर जो ये मार्क्स हैं ये पहले अपडेट नहीं किए गए थे, अब इन्हें अपडेट किया गया है। और जो लास्ट अपडेट थी जो 16 अगस्त को आई थी, उसमें मैंने देखा था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो मार्क्स थे यहाँ पर गलत शो किए गए थे। यानी कि कुछ मार्क्स उनके गलत यहाँ पर दिए गए थे। जैसा कि जिस रोल नंबर को मैं अभी चेक कर रहा हूँ, इसमें जो आप देख रहे होंगे BEGF 101 का सब्जेक्ट है, इसके मार्क्स पहले यहाँ पर अपडेट गलत किए गए थे, बट उसे अब बाद में करेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो जो पहले गलत ऐड हुए थे उनको दोबारा करेक्ट किया जाए, बट वो काफ़ी कम केसेस में है, सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो पहली अपडेट में इनका रिजल्ट आया था 14 अगस्त को, वो EHI 2 का आया था। और आज की अपडेट में इनके दो सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, जिसमें BHDF 101 और BEGF 101, इन दोनों का रिजल्ट आज की अपडेट में ऐड किया गया है। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इस बार इस थर्ड अपडेट में भी काफ़ी रिजल्ट और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स तो न्यू हैं उन्हें ऐड किया गया है जिनके रिजल्ट अभी तक पेंडिंग थे। तो आप भी अपना जून 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट को चेक करें और देखें कि जो आपके पेंडिंग सब्जेक्ट थे उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है। एक बार बैक चलते हैं और देख लेते हैं कि ग्रेड कार्ड में कोई अपडेट आई है या नहीं आई है। तो ग्रेड कार्ड की अपडेट के लिए आपको यहाँ पर इसी पेज पे आना होगा। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है उस पे मुझे क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर एक BA कोर्स का एनरोलमेंट नंबर चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन BDP BA पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ से BA चूज़ कर लेता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल देता हूँ। एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका ग्रेड कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अभी हमने रिजल्ट चेक किया था उसको ग्रेड कार्ड में अभी चेक नहीं किया गया है। ग्रेड कार्ड कल अपडेट किया गया था, क्योंकि जो लास्ट ग्रेड कार्ड था वो 14 अगस्त को ही अपडेट हुआ था। उसके बाद ग्रेड कार्ड को कल के दिन 19 अगस्त को अपडेट किया गया था। तो उस अपडेट के बाद अब दोबारा रिजल्ट अपडेट किया गया है टर्म एंड एग्जाम का। सो अब जब भी दोबारा ये ग्रेड कार्ड अपडेट किया जाएगा तो आपके थर्ड अपडेट के मार्क्स इस ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिए जाएंगे। सो काफ़ी स्टूडेंट जब अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो वो यही चेक करते हैं कि उनके ग्रेड कार्ड में अपडेट हुए हैं नहीं हुए हैं। तो आपको बता दूं कि ग्रेड कार्ड में आपके मार्क्स 2 से 3 दिन बाद ऐड होंगे। यानी कि जब आपका टर्म एंड का रिजल्ट आता है उसके बाद आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। जब आपका ग्रेड कार्ड अपडेट होगा देन उसमें आपके टर्म एंड
टर्म एंड एग्जामिनेशन के मार्क्स भी ऐड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर अभी तक मार्क्स ऐड नहीं किए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अभी चेक किया था यहाँ पर मार्क्स आ चुके हैं BEGF 101, BHDF 101 और EHI 2K, बट यहाँ पर ग्रेड कार्ड में हम देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेड कार्ड में कोई मार्क्स नहीं आए हैं, बस EHI 2 के मार्क्स आए हैं जो कि ये पहले अपडेट हो चुका था। पहले EHI 2 को 14 अगस्त को अपडेट किया गया था, तो उसके बाद जब 19 तारीख को अपडेट आई ग्रेड कार्ड की, देन इसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया। बट अब जो नेक्स्ट अपडेट आएगी ग्रेड कार्ड की, उसमें आपके थर्ड अपडेट के मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड में ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ग्रेड कार्ड में अभी मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। इसमें आप अभी 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, जब भी ग्रेड कार्ड अपडेट होगा देन आपके मार्क्स यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। सो थर्ड अपडेट के बारे में यही था कि काफ़ी सारे न्यू सब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। सो आप भी अपना रिजल्ट चेक करें और बताएं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आए हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।